हाय गाइस, दिस साइड सेम क्वेश्चन। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा और ग्रो हो? तो उसके लिए करना क्या है, बस आपको उसके लिए मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कुछ लेटेस्ट अपडेट आते हैं मैं इमीजिएटली आपके पास लेके आता हूँ। एंड एज ए इन्वेस्टर यू कैन यूज़ इट फॉर द मैक्सिमाइजिंग योर रिटर्न्स। तो आज का जो न्यूज़ वैसे ही खास न्यूज़ है, यह है डॉलर वर्सेस रुपी। काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो बीच में कुछ दिन पहले श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने कहा था कि डॉलर रुपी वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो आज अपन चेक करने जा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, करेक्ट ना? सो उन्होंने बोला है मतलब ऑब्वियसली कुछ बेस रहेगा। तो आज अपन वो जानेंगे कि वो किस बेसिस पे बता रहे हैं एंड रियली में रुपी वीक नहीं हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। सो आई गिव सम फ्यू एग्जाम्पल्स एंड देन एज ए इन्वेस्टर भी आपको सोचना है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो भी मैं आपको एड में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, उस लिंक को इमीडिएटली क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग एंड यू कैन एंजॉय सो मेनी बेनिफिट्स। प्लस मैंने यहाँ पे स्कैन कोड भी दिया है, आप उसको भी स्कैन करके अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें 1 ईयर का एमसी फ्री है, 20 रुपीज़ फ्लैट ब्रोकरेज है, स्मार्ट एपीआर फीचर है एंड अभी नवंबर मंथ के बहुत सारे ऑफर्स भी चालू है। यस, देर आर स्पेशल ऑफर्स गोइंग ऑन फॉर नवंबर मंथ। तो एटलीस्ट यू कैन ओपन फ्री अकाउंट एंड यू जस्ट चेक ऐप फॉर 1 वीक। आई गारंटी यू यू विल एन्जॉय दैट। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं खुद उससे ट्रेड कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग दैट बिकॉज काफ़ी रिसर्च करके वहाँ पर डेटा दिया है जो आपको डेफिनेटली फायदे का होगा। एंड बेसिकली फुल टाइम ब्रोकर है, इज नॉट ए डिस्काउंट ब्रोकर। तो आपको एक ही जगह पर सभी सर्विसेज मिल जाती हैं। चलिए तो अभी कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि रियली डॉलर स्ट्रांग हुआ है या रुपी वीक हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 4 करेंसीज दिए कंपेरिजन के लिए, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, इंडियन रुपीज एंड यूरोप का यूरो। अभी मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया है कि डॉलर जो आज 82 तक पहुँचा है, ये लास्ट 20 साल में हाईएस्ट रेटेड डॉलर, मतलब वो यूरो से मैच कर दिया उसने। वेरा जापानीज येन जो है ये लोएस्ट पे गया है। यस, जापानीज येन, यूरो, ये सब लोएस्ट में गया है फॉर यूरोपियन कंट्रीज। वहाँ पे इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसकी वजह से वहाँ पे यूरो का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे दिया आपको 1998, 1985। एंड खास बात क्या आप समझो, डॉलर का रेट और यूरो का रेट एट पार हो गया है 82 रुपीज़ के आसपास। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, करेक्ट ना? तो यूरो थोड़ा सा छोटा है डॉलर से, ये 2002 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है। मतलब वो जो बोल रहे थे वो टेक्निकली करेक्ट ही है कि बाकी मतलब ऐसे नहीं कि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर खाली इंडियन रुपीस की वजह से कंपेयर टू नहीं बढ़ रहा है, बाकी सभी करेंसीज भी क्या हो रही है, डाउन होते जा रही है। बट इंडियन रुपी अभी भी स्टेबल है, इतना नीचे गिरा नहीं है, इसलिए बोल रहे कि डॉलर क्या हो रहा है, ज़्यादा महंगा हो रहा है। सो अपना रुपी देखा जाए तो स्टेबल है बिकॉज जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, ये सब कम कम होते जा रहे हैं। अपना रुपीस अभी भी स्ट्रांग है, वहीं पे है एंड डॉलर का रेट बढ़ रहा है। सो टेक्निकली अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया इज अ स्टिल वेरी गुड इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में बहुत अच्छे हैं। IMF ने भी कुछ रिजल्ट शेयर किए, मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से अपना रुपया अभी स्टेबल है। आई नो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, बट गवर्नमेंट RBI टेकिंग मैक्सिमम पॉसिबल स्टेप्स टू कंट्रोल दिस, बट स्टिल चीज़ें काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड रहती है। तो आइए आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। सो एज आई सेड कि IMF का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया अराउंड 7% से ग्रो होगा एंड इट विल बिकम फाइव मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये अगले साल के 2023 के प्रेडिक्शन है। ये कुछ डेटा मैंने आपको दिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहले लाइन में है वर्ल्ड आउटपुट दिख रहा है आपको, वो 6% 2.7% है। एंड अगर आप इंडिया देखेंगे यहाँ पे, देखो इंडिया 8.7, 6.8 एंड 6.1। तो बेयर मिनिमम 2023 में 6% का मतलब ग्रोथ करोगा, ऐसे IMF का आउटलुक है, करेक्ट ना? सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ये एनालिसिस दिया है। बाकी आप देखना, जापान देखो, स्पेन देखो, बाकी आप कोई भी कंट्रीज देखो एंड यू चेक द ग्रोथ रेट, तो अपना जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इट्स वेरी मच स्ट्रॉन्गर। इवन जो आप देखेंगे बहुत सारे एडवांस, कैनेडा, UK, सब कंट्रीज का ग्रोथ कम है। एंड रीजन क्या, मेन इन्फ्लेशन, महंगाई जितनी बढ़ रही है एंड कॉम्पिटिशन भी बढ़ रही है, इसलिए मार्जिन सभी कंपनीज के अफेक्टेड है। अभी पूरा बिजनेस वॉल्यूम बेस्ड हो गया है, करेक्ट ना?
तो उसके से भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इंडिया विल ग्रो एट 6.1% अप्रोक्सीमेटली इन 2023। एंड इसलिए फिर उनका कहना है कि इंडियन रुपीस वीक नहीं हो रहा है, बाकी करेंसीज नीचे जा रहे हैं एंड डॉलर उसके मुकाबले क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी अभी भी बेटर है ना, कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री, कंपेयर टू जापान, यूएस इकोनॉमी अभी भी बड़ी है एंड वहाँ पे अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है। एंड यूएस कंट्री ने अभी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से डॉलर एकदम स्ट्रांग हो चुका है एंड इसके वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। सो देयर आर द रीज़न बहुत सारे हैं। एक, बाकी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, यूएस में भी है, बट दे हैव टेकन बेटर स्टेप, इसलिए वो उनका डॉलर रेट क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। सो अपने को रीज़न समझने पड़ेंगे बिफोर क्लेमिंग एनीथिंग। तो बताइए फिर आपको क्या लगता है, एज ए इन्वेस्टर हमने क्या करना चाहिए? यस, तो एज ए इन्वेस्टर बस आपको अभी ऑब्जर्व करना है, फ्रेंकली स्पीकिंग नथिंग कैन बी डन मच, बिकॉज आप और मैं इंडिविजुअल पे कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एंड आरबीआई दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मिनिमाइज दिस डिफरेंस, क्योंकि अभी 1 रुपीज इक्वल, मतलब $1 इक्वल टू 82 रुपीज हो गया है। तो ये बढ़ेगा तो इसका इम्पोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा, इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, अगेन इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेक्ट ना? सो जो भी करना है वो गवर्नमेंट ही करेगा, बस अभी अपने को बस भगवान से प्रे करना है कि डॉलर का रेट जल्दी से जल्दी कम आ जाए। बट खाली अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से नहीं होगा, ये जो बाकी कंट्रीज है जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने अभी उन्होंने काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स दिए, उससे थोड़ा यूरो और ऊपर आया है। तो वैसे जापान है, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए, चाइना है, चाइना का इन भी डाउन है। तो ये कंट्री जब और एफर्ट्स लेंगे, जब इनका रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो वेट एंड वॉच, एंड इसमें कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड नीचे जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।